Hello everyone, welcome to Stepping Success and you are listening to Ghazal Rohila. As you all know, we are preparing for KVS interview and I have already uploaded few videos related to the same on this same channel. And if you want to get the videos, you can go to the description box and get the link from there. और इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है फ्रेंड्स, ज़रूर देखिएगा. कुछ डोंट की वीडियो हैं, कुछ 12 थिंग्स की वीडियोस हैं जो आपको ज़रूरी पता होनी चाहिए केवीएस इंटरव्यू में जाने से पहले, अबाउट केवीएस की वीडियोस हैं, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे व्हाट टू राइट इन सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट. जो 50 वर्ड्स में आपको बायोडेटा में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या लिखें, उसके लिए कुछ टिप्स इंक्लूडिंग 3 सैम्पल्स होंगे. तो लेट्स स्टार्ट. और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक छोटी सी हेल्प कीजिएगा, 2 सेकेंड है और 2 ही काम है आपके पास. फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कर रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको टच कीजिए और उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करके जरूर आए. 1 एंड 2 डन. ओके सो लेट्स स्टार्ट. अ फ्यू वर्ड्स फॉर केवीएस इटसेल्फ. तो देखिए फ्रेंड्स, 50 वर्ड्स में आपको, मतलब वो कहते हैं ना, गागर में सागर भरना है. आपकी सारी क्वालिफिकेशंस, आपकी सारी स्किल्स आपको 50 वर्ड्स में दिखानी है, एक बिल्कुल सिंपल और ब्रीफ. लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है और बहुत ही अच्छी वर्ड्स, मैं कहूँ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करके भी लिखा जा सकता है, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा. आपको अपनी बात को सिंपल और ब्रीफ लिखना है, ठीक है. तो ये जो आपके 50 वर्ड्स होंगे फ्रेंड्स, ये इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो इसको लाइटली लेकर बिल्कुल भी ना चलें, क्योंकि ये जो आपके 50 वर्ड्स वहाँ पे उनके सामने होंगे, चारों इंटरव्यूअर्स के सामने, तो ये कुछ चीज़ें शो करेंगे. आपका एम, आप टीचर बन के क्या करना चाहते हैं, आपकी सूटेबिलिटी क्या है इस पोस्ट के लिए, कि वो आपको क्यों हायर करें. तीसरी, जो कि एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि आपकी हैंड राइटिंग. तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगी, मैं बिल्कुल मना करूंगी इस बात के लिए अगर आपको कोई कह रहा है कि आप टाइप करें. तो टाइप करने से ज़्यादा अच्छा होगा फ्रेंड्स कि आप उस चीज़ को खुद लिखें, ठीक है. तो हैंड रिटन होना चाहिए ये वाला काम. तो अब हम बात करेंगे कि उन 50 वर्ड्स में हम क्या लिखें कि वो इम्प्रेसिव भी लगे, और ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, हमने बहुत ही ज़्यादा अपनी तारीफ लिख दी इतनी ज़्यादा. और ऐसे वर्ड्स भी नहीं यूज़ करें जिनको हम मीन नहीं करते, ठीक है. उन बातों का मतलब होना चाहिए, या फिर हमने बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड ले लिए कि हाँ डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ रहा है कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. हम वीडियो, ये जो है आपके 50 वर्ड्स हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से कंबाइन करके, थोड़ा सा केवीएस के बारे में, थोड़ा सा अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो ऐसे अगर हम थोड़ा सा कंबाइन करके उसको लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा. तो देखते हैं. फर्स्ट चीज़, केवीएस इज़ लाइक अ मिनिएचर इंडिया. केवीएस जो है एक मिनिएचर इंडिया की तरह है. तो जैसा कि हम जानते हैं पूरे इंडिया में फैले हुए हैं केवीएस के स्कूल्स, हर स्टेट में हैं, तो हम कुछ ऐसी लाइन एड ऑन कर सकते हैं जो थोड़ी सी इम्प्रेसिव लगे. केवीएस स्कूल्स आर द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है. केवीएस के जो स्कूल्स हैं, सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, ठीक है, नेशनल इंटीग्रिटी को शो करते हैं डाइवर्सिटी के अंदर भी, ठीक है. एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को जागरूक करते हैं, ये हमारा केवीएस का मोटो भी है, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है. केवीएस हैज़ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेजेस विच कैन बी यूज्ड एज अ मल्टीलिंगुअल रिसोर्स. तो मल्टीलिंगुअल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम NCF 2005 की भी बात कर रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि NCF बोलता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को एज अ रिसोर्स हमें लेकर चलना चाहिए, ना कि उसको एज अ प्रॉब्लम देखें. तो यहाँ पर हम उसकी बात कर सकते हैं, क्योंकि केवीएस के स्कूल्स हैं, केवीएस पूरी कंट्री में फैला हुआ था, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर के बच्चे स्कूल में आते हैं, तो उस चीज़ को एक रिसोर्स लेकर चले हम, तो ये भी थोड़ी सी केवीएस के बारे में तारीफ ही होगी अगर हम करें तो. केवीएस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन शो माई स्ट्रेंथ एंड पॉलिश माई स्किल्स. क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम कोई एक्टिविटीज़ या कुछ कराना चाहते हैं पर हम नहीं करा पाते, बट जो केवीएस के स्कूल्स हैं, यहाँ पर अगर आप कोई एक्टिविटी में इनिशिएटिव करना चाहते हैं, कोई क्लासरूम में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं. तो ये भी उसी के बारे में थोड़ा सा हो गया कि केवीएस के बारे में अगर आप एक लाइन लिख देंगे तो वो भी सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट होगी, क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हैं तो वो तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह आप टीचर बन सकते हैं. स्टेट के जो है SSB होते हैं, स्टेट बोर्ड होते हैं, वहाँ पर भी आप जो है टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप केवीएस में ही क्यों. तो एक लाइन अगर आप केवीएस के बारे में भी लिख देंगे
तो वो थोड़ा सा इंप्रेसिव लगेगा कि हाँ स्पेशली केवीएस के लिए बनाया गया है ये 50 वर्ड्स. नेक्स्ट इज, और फ्रेंड्स हमारा एक फेसबुक पेज भी है, अगर उसको आप जरूर ज्वाइन करें, योर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट. चलो अब ये देखते हैं कि हम क्यों सुटेबल हैं उस पोस्ट के लिए, हम ही क्यों सुटेबल हैं. आपको उनके माइंड में ये इंप्रेशन बैठाना है कि हाँ हम बहुत ही मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट हैं उस पोस्ट के लिए. तो कुछ बातें अपने बारे में भी आपको लिखनी पड़ेंगी, जैसे आई हैव ऑल द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट. जो भी पोस्ट है आपकी उसकी स्किल्स तो है ही है, प्लस क्वालिफिकेशंस भी हैं, दोनों चीज़ें आपके पास हैं, इसीलिए हम उसके लिए सुटेबल हैं. दिस इज अ ड्रीम एंड आइडियल जॉब फॉर मी. मतलब आप बहुत ही मन था आपका ये वाला जॉब करने का, तभी आप इस लाइन में आए हैं. ऐसा कोई नहीं आपके साथ जबरदस्ती की है या फिर कहीं और नहीं हुआ तो इसीलिए आप आए हैं. तो आप बताइए कि हाँ मेरी ड्रीम और आइडियल जॉब यही थी और मैं इसको पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ करना चाहता हूँ. बाय बिकमिंग अ टीचर आई वॉन्ट टू गिव एन एफिशियंट वर्क फोर्स टू माई कंट्री. ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यंग स्टूडेंट होते हैं, उनका बेस ही अभी बनना होता है, तो उनको इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं हम कि वो आगे चल के वर्कफोर्स बने हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए. आई फुलफिल ऑल द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नीडेड फॉर द पोस्ट. तो अभी तक जिन स्किल्स की बात की गई वो किसी भी नॉर्मल पर्सन में हो सकते हैं. ठीक है, कोई भी पर्सन है उसके अंदर ये सारी स्किल्स हो सकती हैं कि हाँ वो अपनी ड्रीम जॉब, मतलब कुछ भी जो है वो एफिशिएंट वर्कफोर्स लाना चाहता है. बट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी एक सेकंड चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. ठीक है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें. नेक्स्ट इज, टीचिंग इज माय पैशन एंड आई एंजॉय टीचिंग. ठीक है, मेरा पैशन है और मैं टीचिंग को एंजॉय करता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप बता सकते हैं. जो आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड लव टू डू माई वर्क विद डेडिकेशन. ठीक है, आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और अपना काम बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते हैं. ये लाइन एक जो है नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये बोल देंगे तो इंटरव्यू बहुत ही इंप्रेस तो हो ही जाएंगे इस लाइन से. जैसे कि आप बोल सकते हैं, आई एम ए टीचर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस. मैं जो टीचर बनने वाला हूँ वो मेरी खुद की चॉइस है, मेरी पसंद से मैं टीचर बनने वाला हूँ, ना कि बाय चांस. ठीक है, लक नहीं था या किसी और चीज़ से कि जबरदस्ती नहीं की गई मेरे साथ. अगर हम अपनी चॉइस से कोई काम करते हैं तो हम उसको बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते हैं और बहुत ही मन लगाकर उसको काम को करते हैं. इसलिए आप बता सकते हैं कि टीचर बनना मेरी खुद की पसंद थी, मेरा सपना था. ठीक है, तो बस यही कुछ बातें होती है फ्रेंड्स. जैसे कि कोई जो राइटर होते हैं, पोइट होते हैं, ये कोई अलग से तो वर्ड्स कहीं से लेकर नहीं आते, वही वर्ड्स जो हमें भी पता होते हैं उन्हीं वर्ड्स को थोड़ा सा एक इम्प्रेसिव वे में लिख देते हैं, बस वही पोएम हो जाती है. तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी बात को थोड़ा सा बोलने के लिए कुछ वर्ड्स चाहिए, तो वही वर्ड्स और सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं, तो आप उनको एड ऑन कर सकते हैं. एक बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कॉपी मत कीजिएगा, वर्ड टू वर्ड तो कॉपी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये एक नेगेटिव चीज़ को शो करेगा कि एक ही तो चीज़ उन्होंने आपसे रिटर्न में मांगी थी कि 50 वर्ड्स में नोट कीजिए, नोट लिखिए कि आप सुटेबल क्यों हैं. अगर वो चीज़ भी आप कहीं से देख कर लिखेंगे तो वो बहुत ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं करना. हाँ, आप वर्ड्स कहीं से ले सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया कहीं से ले सकते हैं, सेंटेंसेस कहीं से ले सकते हैं, पर उसको बनाइएगा खुद ही. ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की. कुछ तीन सैंपल लिए हैं मैंने, जिससे आपको आइडिया और भी अच्छे तरीके से लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको बोलनी हैं या रिटर्न में लिखनी हैं. अब है, दिस इज अ ड्रीम एंड आइडियल जॉब फॉर मी. ये जो आगे सेंटेंसेस लिए हैं इन्हीं को कुछ कंबाइन करके और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करके मैंने इनको बनाया है. तो देखिए फ्रेंड्स, दिस इज अ ड्रीम एंड आइडियल जॉब फॉर मी. आई बिलीव दैट माई नॉलेज, एट्रीब्यूट, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड माई वर्सेटाइल पर्सनैलिटी मेक्स मी सुटेबल फॉर द पोस्ट. ठीक है, आपने थोड़ा सा ड्रीम के बारे में बता दिया, थोड़ा सा ये बता दिया कि मेरी नॉलेज, मेरे एट्रीब्यूट, स्किल, वर्क एक्सपीरियंस और मेरी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें मुझे सुटेबल बनाती हैं इस पोस्ट के लिए. दूसरी चीज़, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन शो माई स्ट्रेंथ एंड पॉलिश माई स्किल्स. ये थोड़ा सा KBS के बारे में बता दिया आपने कि ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जो है वो ऐसा है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को और मेरी और ज़्यादा स्किल्स जो हैं उनको पॉलिश कर सकते हैं. ये भी शो करेगा कि आप अपने में इम्प्रूवमेंट लाते रहना चाहते हैं. ठीक है, आपके अंदर जो स्किल्स हैं आप नहीं कहते कि आप उनमें मास्टर हैं, आपने ये बोला कि आप में लर्निंग की भावना है और आप उनको और भी पॉलिश करना चाहते हैं अपनी स्किल्स को.
तो देखिए ये हो सकता है। एक दूसरा है माई एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिव मल्टी डायमेंशनल अप्रोच काइंड हार्ट डीप पेशेंस लेवल एंड एबिलिटी टू यूज लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर टीचिंग मेक्स मी द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू बी अ टीचर इन केवीएस। ठीक है, तो स्पेशली केवीएस आपने बोला है तो ये भी थोड़ा सा पढ़ के अलग से ही हाईलाइट होता है कि हाँ केवीएस की बात हो रही है, हम केवीएस का बायोडेटा में हमने लिखा है तो आपने स्पेशली उसे मेंशन किया है। तो क्रिएटिविटी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है टीचर के लिए। और दूसरा ये लाइन बहुत ही अच्छी है यहाँ पर कि लोकल अवेलेबल ही रिसोर्स, जरूरी नहीं कि हर जगह रिसोर्स अवेलेबल हो, अगर रिसोर्सेज नहीं भी अवेलेबल हैं तो आसपास ही जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उनको हम यूज़ करके अपनी टीचिंग को और बेटर बना सकते हैं। और एक पेशेंस लेवल जो कि एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपने बात यहाँ की है। बिसाइड्स आई हैव ऑल क्वालिफिकेशंस नीडेड फॉर द पोस्ट, इन सब चीज़ों के अलावा मेरे पास सारी क्वालिफिकेशंस भी हैं, सिर्फ स्किल्स ही नहीं हैं क्वालिफिकेशंस भी हैं जो इस पोस्ट के लिए ज़रूरी हैं। तो सेकंड हो गया ये। थर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, ये आई बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पे जो हैं। थर्ड है आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर बिकॉज आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट माई कंट्री बाई गिविंग अ वर्सेटाइल नोबल एंड लॉयल पर्सनैलिटी। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वर्सेटाइल नोबल एंड लॉयल, ये आप बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, बट वो चीज़ें बच्चों में आप तभी डाल पाएंगे जब ये चीज़ें आपके अंदर भी होंगी। तो इनडायरेक्टली आप यही बोलना चाह रहे हैं इस लाइन से कि ये तीनों चीज़ें आपके अंदर हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो टीचर होता है वो बोलकर उतना अच्छे से नहीं सिखा सकता बच्चे को जितना दिखाकर सिखा सकता है। ठीक है, एक टीचर बोलता रहे कि बी पंक्चुअल और वो खुद टाइम से लेट आए स्कूल में तो वो बच्चे उसके कभी भी पंक्चुअल नहीं हो सकते। बट एक टीचर अगर खुद पंक्चुअल है तो वो बच्चे देखकर जरूर सीखेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपने ये यहीं पे इसीलिए ही हैं कि आप में खुद हैं ये चीज़ें और आप बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं वो सब करने के लिए। मोटिवेटिंग यंग किड्स एंड प्रोवाइडिंग देम अ रिच लर्निंग एनवायरमेंट विल बी अ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय मी इफ गिवन अ चांस। ठीक है, यहाँ पे ये बात भी हो गई कि अगर चांस मुझे दिया जाए तो मैं मोटिवेट करूंगा बच्चों को और बहुत ही ज़्यादा रिच एनवायरनमेंट होगा लर्निंग का जो मैं प्रोवाइड करना चाहूँगी। तो ये बात हो गई। ठीक है, थ्री एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स, दोबारा मैं बोल रही हूँ प्लीज़ कॉपी ना करें, बिल्कुल सेम आप कॉपी ना करें। कुछ टिप्स मैंने आगे लिखी थी, कुछ सैम्पल्स हैं, इन सबको इंक्लूड करके कुछ मिला जुला के या फिर कहीं से और आपको अच्छी लाइंस मिल रही हैं या फिर, तो उन सबको मिला के लिखिएगा, डिट्टो कॉपी कहीं से बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लगता है कि ये वर्दी है इतना तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।